really? इसका रिजल्ट आने वाला है तो इसलिए ये लोग गेट टुगेदर रखते हैं। मुझे तो सूरज जी ने इनवाइट किया ये बोल के कि ये दिवाली इवेंट है हमारा, प्री दिवाली इवेंट है, मैं तो दिवाली मनाने आई हूँ अपने दोस्तों के साथ। अच्छा मुझे ये सब नहीं पता। जैसे इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं मेरे लिए, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही मेरे लिए बिहार है। और इलेक्शन विलेक्शन के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं तो यही कहूँगी कि सबको वोट करना चाहिए और राजू जी इज़ अ ग्रेट एंटरटेनर। अच्छा ये दिवाली की बात करें तो दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में, किस वक्त सेलिब्रेट करने वाली दिवाली आप? इस साल मैं दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। कैन यू प्लीज कट दिस? अभी फिलहाल मैंने एक फिल्म ख़त्म की है, जिस मेरा काम ख़त्म हुआ है, फिल्म ख़त्म नहीं किया है। वो अगले साल रिलीज़ होगी और बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और मैं चाहूँगी कि वो जल्दी रिलीज़ हो तो मेरे दर्शक उस फिल्म को देखें। इट्स मेरे किरदार का नाम है, अब पता नहीं मैं सब बता भी सकती हूँ कि नहीं, लेकिन फिल्म का नाम है गुड़गांव और प्रोड्यूसर हैं जार और मिस्टर मुकेश चावड़ा और डायरेक्टर हैं शंकर रमन और मेरे साथ हैं अक्षय ओबरॉय और पंकज त्रिपाठी भी हैं इस फिल्म में। और बस इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत स्टोरी ड्रिविन और बहुत इंटरेस्टिंग। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपने मुझे इस रूप में पहले कभी नहीं देखा होगा, इस बात की तो मैं आपको लिखित गारंटी दे सकती हूँ। देखिए फिलहाल तो मैंने टीवी का कोई शो साइन नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं ज़रूर साइन करूँगी। ठीक है, थैंक यू। मकसद वाली कोई बात नहीं है, जस्ट थॉट कि भाई एक दिवाली एक बहाना था कि लोगों के साथ उठे हैं बैठे हैं, क्योंकि आज बम्बई एक ऐसा शहर है हर आदमी अपने काम में व्यस्त है, किसी को अपने लिए खुद के लिए फुर्सत नहीं है, तो कम से कम एक शाम दोस्तों के साथ इस तरीके का थॉट लिया। दैट्स द बेसिक रीज़न कि प्री दिवाली गेट टुगेदर कर लें। भाई मैं एक ऑर्थोडॉक्स आदमी हूँ, एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी हूँ, घर पे पूजा होती है, दियों के साथ पूजा होती है, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, घर में अपने छोटे बच्चे हैं, बीवी है, फिर पूजा वगैरह करके फिर उनके साथ एक प्रॉपर डिनर लिया जाता है एंड देन बैक टू अ रूटीन क्रैकर्स फोड़ना। हाँ ठीक है, इट्स लाइक एन एनवायरनमेंट टॉक कि ग्रीन एनवायरनमेंट, बट मैं वहाँ एक छोटा सा कैच ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। भाई ठीक है आज एक ओकेजन है, आप फटाके क्यों ना फोड़ें। मैं लोगों से सहमत हूँ, आप ग्रीन एनवायरनमेंट का सोचिए, मदर अर्थ पर सोचिए, लेकिन आप डिस्प्ले क्रैकर्स पे चले जाइए। व्हाई डू यू वांट टू एबॉलिश क्रैकर्स इन टोटलिटी? आप अगर डिस्प्ले क्रैकर्स पे जाएं, कम से कम आज जो सिवाकाशी में फैक्ट्रीज लगी हैं वो भी तो बंद ही होगी, तो आप हर चीज़ एक इंटरकनेक्टेड है। मैं बोल रहा हूँ जो आतिशबाजी वाला काम है थ्रू ओवर द ग्लोब है, वी टॉक अबाउट 31st, लेट्स टॉक अबाउट सिडनी। सिडनी में आप जाइए, फायर शो होता है, क्यों होता है? हाँ, जो आज हम ये लड़ियाँ लगाते हैं 5,000 की, 10,000 की, 50,000 की, वो आप एबॉलिश कर दें, बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रैकर्स ऑन द होल बंद करना मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। अनिल जी आप सोशल सर्विस भी काफ़ी करते हैं, तो दिवाली के मौके पर कुछ कहीं पे जा रहे हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन? भाई मैं बहुत कुछ करता हूँ ऐसा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत जो मेरे पास में है वो ज़रूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। मैं दिवाली की एक शाम ज़रूर उन बच्चों के साथ बिताता हूँ जो अनाथ हैं, अपने आप में एक अंडर प्रिविलेज बच्चे जो हैं, एक छोटा सा एक छोटी जगह है जहाँ करीब 60 बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनके साथ मैं एक 3-4 घंटे हर दिवाली को ज़रूर बिताता हूँ, वो मैं ज़रूर करूँगा। मैं मंडे को जा रहा हूँ 9 तारीख को, वो ये एक प्रयास है, साल में 2 बार ज़रूर करता हूँ, वो इस बार भी 9 तारीख को करूँगा। देखिए हर कोई ये बोल रहा है वो उनका अपना नज़रिया है, बट मेरी अपनी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपन जीते हैं,
मेरी अपनी धारणा है ये नहीं करना चाहिए. आज जो सम्मान आपको आवाम ने दिया है वो वापस लौटाना अपने आप में आप उनको एक तमाचा मार लें तो वो बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए. मैंने बिल्कुल कहा ना आपको, नॉट ओनली सरकार, देखिए सरकार जरिया है वो अवार्ड देने का, बट वो अवार्ड देता कौन है? आवाम देती है. आप वो वापस क्यों दे रहे हैं आपको? अच्छा ऐसा नहीं, मसले आज हैं, मसले तो चले आ रहे हैं, हिंदुस्तान में मसले कब नहीं थे, लेकिन एक अवार्ड वापस देना तिरस्कार करना है, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मैं सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. ऑल द वेरी